गाइस झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले दिल थाम कर जो है बैठ जाइए। जी हाँ, डीवी एग्ज़ाम में कौन कौन से कैंडिडेट जा पाएंगे अब जो है वो देख लीजिए, क्योंकि डीवी एग्ज़ाम में जो है अब ज़्यादा दिन नहीं है। झारखंड सिर्फ जो है 2 दिन देता है, और कौन कौन से अभ्यर्थी जा पाएंगे वो भी जो है देख लीजिए। कट ऑफ कितनी है इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, और एक न्यू व्यूअर है तो हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले अपने जो है भाई रिज़ल्ट का, ठीक है, अपने रिज़ल्ट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। अलग अलग पोस्ट भरी गई थी इसकी, और आपकी जो है वेल्डर वाले, मैकेनिक वाले, ड्राफ्टमैन वाले, प्लम्बर वाले, फिटर वाले, ठीक है, और बहुत सारे ऐसी पोस्ट थी जो वेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले भी, मैकेनिकल वाले भी। तो इनकी पोस्ट के जो है अलग अलग जो है कट ऑफ है, और जो एग्ज़ाम हुआ था 27, 28, 29 नवंबर को हुआ था। तो देखो भाई, आपकी जो आंसर की थी तभी जो है रिलीज़ हो गई थी 22 से 28 दिसंबर को, यानी कि 1 महीने बाद हो गई थी, लेकिन रिज़ल्ट को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे 5 महीने लग गए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। और ये अब जो है आपका रिज़ल्ट जो है, जो उम्मीद बन रही है, जो कहा जा रहा है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो है आपका रिज़ल्ट जो है दोस्तों कल जो है देखने को मिलेगा। कल आपका रिज़ल्ट जो है इस ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। अगर कल आपका रिज़ल्ट आता है तो सीधी सी बात है आपका इस मई के लास्ट वीक तक जो है डीवी हो ही जाना है, ठीक है, और 2 या 3 दिन बाद ही हो जाता है। तो आप जो है सर्टिफिकेट देख लो भाई, क्या क्या जो है आपको लेके जाना है और कितनी कट ऑफ जो है रहने वाली है, उस पर जो मैं बात करूँगी। तो जो सर्टिफिकेट आपको तैयार करनी है, उसमें पहले सर्टिफिकेट का नाम है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो है अपनी जो जाति है उसका प्रमाण पत्र जो है तैयार करके रख लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ आप रहते हो उस निवास स्थान का प्रमाण पत्र तैयार करके रख लेना है। NOC सर्टिफिकेट उनको तैयार करके रख लेना है जो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय या जॉब करते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट जो है आपको तैयार करके रख लेनी है। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करके रख लेना। 2 पासपोर्ट फ़ोटो आपको तैयार करके रख लेनी है। डीवी का एडमिट कार्ड तुरंत ही जो है लेके जाना होता है, इसे जो है तैयार करके रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। एफिडेविट सर्टिफिकेट भी पहले ही बनवा के जो है आपको रख लेना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है एफिडेविट सर्टिफिकेट का। तो ये सर्टिफिकेट भाई आपको बनवा के ज़रूर रख लेने हैं। अब मैं बात करूँ कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है अलग अलग की। 120 मार्क्स का पेपर है पूरा। जैसे अगर बात करूँ मैं सबसे पहले वायरमैन की कितनी जाएगी, तो वायरमैन की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 70 जाएगी वायरमैन वालों की। ड्राफ्टमैन वालों की मैं बात करूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ड्राफ्टमैन वालों की 73 जाएगी। प्लम्बर वालों की मैं बात करूँ कितनी जाएगी, 62 जाएगी प्लम्बर वालों की। फ़िटर वालों की मैं बात करूं, फ़िटर वालों की कितनी जाएगी भाई, फ़िटर वालों की जाएगी 79। वेल्डर वालों की कितनी जाएगी, वेल्डर वालों की जाएगी 66, ठीक है भाई 66। और भी बहुत सारी इसमें जो है आपकी पोस्ट है, ठीक है भाई। जैसे टर्नर की है, टर्नर वालों की कितनी जाएगी, टर्नर वालों की जाएगी आपकी 60। इलेक्ट्रिशियन, मकैनिकल, इनकी भी जो जाएगी इलेक्ट्रिशियन वालों की जाएगी आपकी 61, और जो आपके जो मैकेनिकल वाले हैं उनकी जाएगी आपकी 65। तो ये जो आपकी कट ऑफ जाएगी, और ये कैंडिडेट जो है डीवी के लिए जा पाएंगे। डीवी कब तक हो लेगा, अगर कल शाम को आपका रिज़ल्ट जो है रिलीज़ हो जाता है, जैसे जो कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब से सुनते आ रहे हैं अब आएगा, लेकिन जो सटीक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही कहा गया है कि कल आपका जो है ऑफिशियल साइट पर रिज़ल्ट आ लेगा। तो अगर कल रिज़ल्ट जो है भाई आउट हो जाता है तो 3 दिन बाद ही आपका जो है डीवी हो जाएगा, समझ गए, 25 मई तक ये मान लो फिर आपका जो है डीवी हो जाएगा। और यदि कल रिज़ल्ट आना कैंसिल हुआ तो फिर जो है आपका जो है 28 मई को रिज़ल्ट आ सकता है। पक्की नहीं कह सकते, सोर्स जो रहता है वही बताते हैं, अब वो लोग कितना गलत बताते हैं वो तो उनकी लीला वही जाने। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दिस वीडियो।